दोस्तों, जय माता की, राधे राधे आप सभी को। तो आज की इस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे घर गांव में रामायण है, तो सब तैयार हो गए। और मेरे माधव एकदम सुंदर सुंदर सा ड्रेस पहन के तैयार हो गए, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। देखिए, रानी कलर का ये वेलवेट का कपड़ा पहने हैं, सुंदर सा हार पहने हैं, इनकी जो पगड़ी है इस पर सुंदर सी अटैचमेंट लगी है, हाथ में कड़ा पहने हैं, जिससे कि बहुत सुंदर इनका लुक लग रहा है। और इनका ना डिमांड कुछ ज़्यादा है, सबको चाहिए, आज सब मांग रहे हैं मुझे थोड़ा दो, माधव को मुझे दो। तब मैं खड़ी होकर सबको 5-5 मिनट के लिए, यानी 2-2 मिनट के लिए दे रही हूँ, क्योंकि सबका मन कर रहा था लेने के लिए। और उसके बाद अभी रामायण बैठ चुका है, फिर हम लोग पीछे से जा रहे हैं, क्योंकि तैयार नहीं हुए थे माधव, बहुत सारे काम थे। तो मैं इनको इसके लिए लेट भी लेके जा रही हूँ, और इनको ना एकदम से स्थापना करके नहीं बैठाऊँगी, बीच बीच में मैं लेके आऊँगी, लेके जाऊँगी, ऐसा करूँगी। तो चलिए, अभी ये सबसे मिल रही है और मैं चलती हूँ। अभी रामायण जहाँ बैठा हुआ है वहीं पर माधव को ले चल के मैं दर्शन कराती हूँ, और आप सबको भी मैं दर्शन कराती हूँ किस तरह से यहाँ पर स्थापना में हुआ है। तो थोड़ा सा मैं बताती हूँ कि किस तरह से चौकी लगाई हूँ। पंडित जी ने स्थापना किया, पूरा चौकी मैंने यहाँ पे पूरा लगाई थी। तो यहाँ पे मैंने साइड में सौरश मातृका रखी हूँ, और एक मैंने पाट रख के उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा के उसमें लक्ष्मी गणेश और रामायण को लाल कपड़े में रखी हूँ। और इस साइड में अष्टदल कमल और नवग्रह बनाई हूँ, उसके ऊपर हाइट दे के लड्डू गोपाल छोटे वाले हैं, और 3-4 भगवान जी का और मूर्ति रखी हूँ। और यहाँ नीचे कलश आ गया है और दीपक नीचे रखा हुआ है, कलश के नीचे गेहूँ रखा हुआ है, गाँव में गेहूँ ही रखते हैं। इस तरह से मैं यहाँ पर पूरा अच्छे से लगाई थी, लेकिन अभी क्या है ना, इस टाइम पर सब चीज़ें चढ़ चुका है, भोग वगैरह फूल वगैरह चढ़ गया है। जब न मैं बनाई थी ना, तो उस टाइम पे मैं टाइम नहीं था, उस टाइम पे मैं फ़ोटो नहीं ले पाई, यानी कि वीडियो, इसके लिए अभी सब चढ़ गया है, तो थोड़ा सा उतना अच्छे से नहीं दिख रहा होगा। फिर भी मैं पूरा दिखाने की कोशिश कर रही थी, बहुत सुंदर लग रहा था चौकी इस तरह से सजा हुआ था। और ये मंडप के अंदर ना मोगरे के फूल का बहुत सारा मतलब यूज किए हैं, इससे बहुत सुंदर खुशबू आ रही है। और मैंने लक्ष्मी गणेश काफ़ी सारे तस्वीरों को मैंने ना मोगरे का हारी पहनाई हूँ, इसके लिए और अच्छा लग रहा था, खुशबू बहुत सुंदर लग रहा था। माधव को मैं थोड़ा टाइम दूध वगैरह पिलाने के बाद फिर हम लोग आ गए नाश्ता करने के लिए बाहर, क्योंकि नाश्ता सुबह ही हो चुका है, इस टाइम पर 3 बज रहा है, हम लोग नहीं किए थे। तो यहाँ पे छोला और जलेबी का नाश्ता बना हुआ था, तो सिर्फ अभी हम लोग 3-4 जन कर रहे हैं, सबका हो चुका है, क्योंकि ये नाश्ता सुबह का था। उसके बाद मैं आप सबको शाम के टाइम मिल रही हूँ। और ये रंगोली बच्चे लोग ने बनाया है राम सीता का, यहाँ पे मैंने रख दी हूँ, और इसके ऊपर अभी मैं बहुत सुंदर सा दीपक चारों तरफ लगाऊँगी। और आप सबको मैं मेन गेट अपने घर का दिखा रही हूँ, जो कि गेंदे के फूल से सजा हुआ है, और बहुत ही सुंदर लग रहा है ये भी। और बहुत सारा ना लाइटिंग भी हुआ है, तो रात के टाइम ये बहुत अच्छा लग रहा था, पूरा अंदर बाहर तक किया गया है। थोड़ा सा मैं ये सीन आप सबको बाहर से दिखा रही हूँ, यानी मेरे घर के बाहर का जो सीन है, गेट के बाजू में जो मेरा वो बाउंड्री का दीवार है ना, उसके ऊपर ये मैं लगा हुआ वो दिखा रही हूँ यहाँ से। इसी तरह से हर साल डेकोरेशन और पूरा तैयारी होता है, इसका पूरा श्रेय बाबूजी को जाता है, यानी मेरे ससुर जी का, वही पूरा अरेंजमेंट करते हैं, जो भी अंदर बाहर का रहता है ना, सब कुछ वही अरेंजमेंट करते हैं। सिर्फ हम लोग एकदम पास आने के बाद मुंबई से आते हैं रामायण में, क्योंकि वो यहीं पे रहते हैं, तो ये सब कुछ कर लेते हैं और बहुत अच्छे से हो जाता है। तो अभी मैं आ गई हूँ वापस अंदर, और इस टाइम पे बहुत रात को मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो दीपक जो लगा था ना बुझ चुका है, यानी कि करीब करीब 10 बज रहा होगा इस टाइम पे, 10:30 के लगभग इस टाइम पर मैं बना रही हूँ। आप सबसे रामायण के नेक्स्ट डे मिल रही हूँ, यानी कि जिस दिन उनका उठने का होता है, यानी रामायण सम्पन्न होता है। और इस टाइम पर मैं नहा धो के आ गई हूँ, सभी भगवान जी को जल वगैरह फल फूल रखी हूँ, फिर से हल्दी कुमकुम लगाई पूजा की, उसके बाद शंकर भगवान की पिंडी यहीं पे रखी थी, तो उनको आज प्रदोष है, अभिषेक वगैरह की फूल वगैरह सब चढ़ा के ये सब रखने के बाद फिर मैं हवन सामग्री वगैरह मिला के इधर ही साइड में रख दूंगी, क्योंकि ये सब तैयारी होते रहेगा ना, हुआ रहेगा, तो फिर उसके बाद पंडित जी आएंगे, तो बस जैसे रामायण कंप्लीट होएगा तो फिर उसके बाद हवन की तैयारी होती है आरती होने के बाद। तो सब यहाँ पे मैंने अच्छे से पूरा अरेंज कर दी, जो भी नीचे सब अगरबत्ती के सब चूरे वगैरह थे वो सब मैंने उठा के एक साइड में रख दी हूँ, और इसमें ना विसर्जन करने के लिए हटाना नहीं रहता है, इसी तख्त के नीचे मैं डाल देती हूँ। और ये मैं ना कुमकुम और घी लगा के थाली को मैंने हिला हिला के इस तरह से बना दी हूँ, फिर मैं इसको ना ऐसे ऐसे करके डिजाइन बना रही हूँ। ये है आरती की थाली, इस तरह से मैं आरती की थाली बना रही हूँ,
और इस तरह से अगर आरती का आप थाली बनाएंगे ना, देखने में बहुत सुंदर लगता है। यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद मैं आंगन में आ गई हूँ। यहाँ पे जहाँ पर हवन होगा थोड़ा सा रंगोली बनाती हूँ, क्योंकि आंगन में ही हवन होता है। और जब हम लोग रंगोली बना रहे थे तो एक रील वीडियो भी बनाई हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो भी देखे। फिर मैं अभी वापस आ गई हूँ वहीं पर, क्योंकि यहाँ पर अब जा रहा है रामायण के समापन का आरती होने के लिए। तो सभी लोग आके यहाँ पर जमा हो गए हैं और मेरी देवरानी ने जिस साड़ी में स्थापना होता है उसी साड़ी को वापस पहनना रहता है, तो वही साड़ी वो पीली कलर वाला इस टाइम पे पहनी है। तो बस अब आरती के लिए सब लोग चल रहे हैं, आप सब भी आरती में आ जाए। चलिए आरती अभी कंप्लीट हो गया और मैंने थोड़ा सा ही सीन दिखाई, ज़्यादा बताऊंगी तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। खूब जोर जोर से राम जी के, सभी भगवान जी का जयकारा लगा, हनुमान जी का। उसके बाद अब सब लोगों को मतलब आरती देंगे और घर में घुमाएंगे। ये करने के बाद अब हवन की तैयारी हो चुकी है, सिर्फ आंगन में जाके हवन करेंगे पंडित जी। अब पहले उसकी पहले भगवान जी को यहाँ पर भोग लगा था। सब जगह का सीन मैं ले नहीं पाई हूँ और जो भी ली हूँ ना काफ़ी बड़ा बड़ा हो जा रहा था, इसके लिए मैं बहुत सारे सीन यहाँ से हटा दी हूँ। तो बस अब यहाँ पे हवन चालू हो गया, थोड़ा सा मैं हवन भी आप सबको दिखाऊंगी। तो हवन मंगलचार गीत यहाँ पे हो गया और सभी लोग ने प्रसाद ले लिए। फिर उसके बाद अभी जहाँ पे रामायण बैठा है वहीं पे सब लोग वापस जाएंगे, क्योंकि हर साल ना रामायण होने के बाद चार पांच भजन और लड्डू गोपाल का बधाई गीत होता था, लेकिन इस बार किसी कारणवश वो बाहर चले गए थे, तो हवन होने के बाद फिर से वापस वो बैठ रहा है। तो बहुत सुंदर सुंदर भजन गाते हैं, आप सबको भी चलिए सुनाती हूँ। बस थोड़ा सा ना माइक में और ये जो ढोल रहता है मोबाइल में अच्छे से नहीं सुनाता है, लेकिन सामने ना बहुत ही सुंदर सा भजन गाते हैं, ये हर साल यही गाते हैं। तो चलिए कदम की झूला पर झुलाएंगे काफ़ी टाइम तक भजन चला। उसके बाद अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ पे जहाँ पर खाना लगा हुआ है, और खाना जो लगा है ना इसमें मैंने जो भोग प्रसाद बना के भगवान जी को चढ़ा हुआ था वही मैं थोड़ा थोड़ा इसमें मिक्स करूँगी, और सभी में मैं तुलसी का पत्ता डालूँगी और थोड़ा थोड़ा गंगा जल डालना रहता है। इससे अगर आपके भंडारे में खाना लगा हुआ है ना डाल देंगे ना तो कभी भी खाना कम नहीं होता है, इसके लिए मैं डाल रही हूँ। और दोनों लड्डू गोपाल आए हुए हैं इनको खिलाने के लिए, उसके बाद सब खाएँगे। तो इन्होंने चटनी पूड़ी सलाद और उसके बाद पापड़ वगैरह जो था इनको भी थोड़ा थोड़ा हम लोग ने खिला दिए। और जब जितना
सामान था सभी में मैं थोड़ा थोड़ा तोड़ के जो भोग प्रसाद था सब में मैं लगा दूंगी। फिर उसके बाद सब खाना खाएंगे और खाने का टाइम इस टाइम पे 2:30 बज रहा होगा, दोपहर का है ये खाना। और खाने में जो बना था दाल चावल खस्ते की पूरी बनी थी और मीठी चटनी बनी थी, कटहर की बहुत अच्छी भाजी बनी हुई थी और मलाई पनीर बना हुआ था, कोहड़ा पालक पता नहीं क्या क्या डाल के मिक्स भाजी बना हुआ था, पापड़ था, सलाद था और यही सब खाना बना हुआ था। मुझे लगता है मैं सब बता दी हूँ या एक आग छूट गया होगा। ये लोग सब खाना खाने के बाद घर में चले गए, उसके बाद ये जो मेरा नया वाला घर बन रहा है ना उसी में सब लोग खा रहे हैं, तो मैं वही बोल रही हूँ इसका पूजा नहीं हुआ है, सब लोग जो खा रहे हो यहाँ पे सबको जुर्माना देना पड़ेगा। यहाँ पे ना थोड़ा सा छांव है इसके लिए लोग इधर बैठ के खा रहे हैं, टेबल पे नहीं खाएं क्योंकि टेबल पे थोड़ा सा ना धूप का आंच लग रहा है। तो सभी का खाना खा के हो गया, सिर्फ हम ही लोग बाकी हैं। तो खाते खाते मैं वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। आप सबको मेरा ब्लॉग कैसा लगा जरूर कमेंट में बताना, अगर वीडियो थोड़ा सा पसंद आया हुआ तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन दबाना ना भूलना। मिलती हूँ अगली वीडियो में, जय माता की, राधे राधे।